एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए विंटर स्पेशल वीडियो है। आपके बालों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे, एंड बैक टू बैक वीडियोस इतनी अमेजिंग आपको मिल रही है कि अब आप इतनी छोटी सी भी गलती है ना नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है ना। जैसा मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे अपने बालों को ट्रीट करिए, वैसे ही बालों की केयर करिए, वैसे ही अपने बालों को बालों से प्यार करिए, तो आपके बाल बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, घने होंगे, मुलायम होंगे, सॉफ्ट होंगे, बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, एंड स्कैल्प जो आपके खाली नज़र आ रहा है वो भी वापस से भरने लगेगा, यानी कि जो बाल आपके जा चुके हैं, खो चुके हैं, वो दोबारा से फिर से आने लगेंगे। अभी मैं आपको शो करूँगी अपने कुछ ऐसे बाल जो कि बहुत सारे न्यू बेबी हेयर्स निकल गए हैं और वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, है ना। तो आज मैं आपको ये सब अपने बाल दिखाने वाली हूँ गाइस। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये यहाँ तक आ गए हैं, दिख रहा है आपको। ये सब मेरे न्यू बाल हैं और बहुत सारे बाल हैं जो कि अंदर की तरफ भी हैं, है ना। ये तो मैं आपको सिर्फ फ्रंट के दिखा रही हूँ, अंदर की तरफ भी बहुत सारे बाल ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे बहुत बहुत सारे निकल गए हैं, है ना। ये सब बाल, और ये आप जो कलर देख रहे हैं ये सब मेहंदी का कलर है जो कि मैंने DIY वो बनाई थी, मेहंदी में बहुत सारी चीज़ें डाली थी, तो इसका कलर इस तरह से हो गया बालों का, है ना। थोड़ा सा हम बोलेंगे हल्का सा मरून, बर्गंडी, ब्राउनिश ऐसा, है ना। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब, यहाँ तक जो दिख रहा है ना, ये सब मेरे न्यू हेयर्स जो कि ग्रो हुए हैं वो सारे इतने बड़े हो गए और यहाँ तक आ गए हैं। वरना मेरे आगे से हेयर कट बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को पता है, बिल्कुल भी बाल मेरे कट नहीं है, है ना। सो ये इतने सारे बाल हैं जो कि न्यू निकले हैं, ये देखिए यहाँ तक, है ना। सो गाइस, आपके भी ये मैं आपको दिखाने वाली थी आपको, एंड ये सब बाल आपके भी वापस आपके भी आ सकते हैं अगर आपके झड़ गए हैं बाल। तो देखिए, अगर बाल झड़ते हैं ना तो दोबारा बाल उगना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बाल नहीं उगेगा तो समझ लीजिए कि आपका धीरे धीरे आपको गंजापन आ रहा है, धीरे धीरे आपको बाल्डनेस आ रही है। आपको उसी वक्त एकदम अवेयर हो जाना है, उसी वक्त आपको अपने बालों पर ध्यान देना स्टार्ट कर देना है, और उसमें सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी जो चीज़ होगी वो होगा आपका डाइट, आपका हेल्दी न्यूट्रिशन, आप जो चीज़ें खा रहे हैं वो सबसे फर्स्ट नंबर पे होगी। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, बहुत बहुत हेल्दी चीज़ें खानी है, जैसे कि आपको सारी ग्रीन वेजिटेबल खाइए, फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, जूसेस पीजिए, कोकोनट ऑयल, बहुत सारा लॉट्स ऑफ वाटर, 3 लीटर कम से कम आपको एक दिन में पानी पीना है, या फिर आप ये समझिए कि 10 से 12 ग्लास आपको पानी पीना है एक दिन में, ठीक है। अब विंटर है तो देखिए हमें प्यास नहीं लगती है, लेकिन आपको याद रख के हर एक घंटे में एक ग्लास पानी तो ज़रूर पीना है, ओके। सो ये सब चीज़ें आप जब करेंगे, इसके साथ में आपको आज मैं एक नई चीज़ बताऊंगी, नई तो नहीं है, मैं तो बहुत टाइम से कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को के पास टाइम नहीं होगा तो आप नहीं कर पा सकते हैं। आप लोग क्या करिए, हल्की सी छोटी सी, मतलब 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के लिए अपना पूरा फुल बॉडी का वर्कआउट करिए, है ना। इससे क्या होता है, पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, हर हमारे बॉडी के हर हिस्से में ब्लड जाता है, उससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। हमारा बॉडी के पार्ट है, किसी के जैसे दर्द होता है बॉडी में, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, वो सारी चीज़ें दूर होने लगती है, प्रॉब्लम्स दूर होने लगती है, क्योंकि वो ब्लड है वो पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो करता है। और आप वही चीज़ें, अब जब खाना आप अच्छा खाएंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, सारे विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, है ना, प्रोटीन होना चाहिए, ये सब आपके खाने में एवरी डे होना चाहिए। अगर ये सारा खाने में एवरी डे है गाइज, तो आप लोग सोचिए आपके बाल बहुत अच्छे होंगे, बाल के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी हेल्दी होगी। अगर आपको कोई भी किसी तरह की डिजीज़ है तो धीरे धीरे वो भी डिजीज हटने लगेगी, है ना। तो आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है, 10 मिनट्स का कोई भी वर्कआउट देख लीजिए, मॉर्निंग का जो होता है सूर्य नमस्कार, है ना, वो कर लीजिए, उसमें पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, है ना, तो वो आप कर लीजिए। आपको पता ही होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आपको सूर्य नमस्कार का मिल जाएगा कोई ना कोई वीडियो, उसमें आप देख के सूर्य नमस्कार कर लिए, सिर्फ 5 मिनट लगता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वो आप कर लिए, इससे आपकी फुल बॉडी स्ट्रेच होगी, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, और जो आप खाएंगे वो आपके ब्लड में जब मिल जाएंगे विटामिंस वगैरह, वो आपके सभी जगह पूरी बॉडी में और आपके स्कैल्प तक आएगा, और आपके बालों को हेल्दी बनाएगा, बालों को लंबा घना मजबूत करेगा। ये तो हो गई इंटरनली, इंटरनली हमें क्या करना है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी।
अब एक्सटर्नल आपको क्या करना है, वही डीआईवाई करिए। अभी विंटर ज़्यादा है, काफ़ी जगह तो देखिए सर्दियाँ है ही नहीं, जैसे मुंबई वगैरह में तो बिल्कुल नहीं होती, तो काफ़ी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, काफ़ी जगह ठंडी है ही नहीं। तो सभी के लिए मैं बता दूँगी, जहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा है वो लोग सिर्फ ऑयल लगा लीजिए, ऑयल भी एक अच्छा हेल्दी बढ़िया ऑयल बना लीजिए। मेरे चैनल पर बहुत सारे ऑयल की रेमेडी मैंने आपको शेयर की है, वो बना लीजिए। और वो नहीं बना रहे तो आप लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं चिश ब्यूटी ट्रिपल फास्ट हेयर ग्रोथ ऑयल जो मैंने लॉन्च किया है। अगर आप ये ऑयल बाय करना चाहते हैं तो ये ऑयल ले सकते हैं। इस ऑयल को कैसे ऑर्डर करना है वो सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप चेक कर लेना। इस ऑयल के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, इस ऑयल को बालों में कैसे लगाना है, ऑयल लगाने से पहले क्या बातों का ध्यान रखना है, ऑयल लगाने के बाद क्या बातों का ध्यान रखना है, ये सब आप दो वीडियो है, दोनों ही वीडियो को देख लेना। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप ये ऑयल लेना चाहते हैं तो आप इसे बाय करिए। इसको अगर आप ले लेते हैं ना तो आपको कोई भी रेमेडी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आप पैक है ना जेल कोई भी जो भी रेमेडीज़ है वो कुछ भी आप बली ना लगाएं इस विंटर सिर्फ इस ऑयल के ऊपर ही फोकस करेंगे तो भी आपके बाल बहुत बहुत अच्छे होने लगेंगे, ठीक है। अगर अब ये जो ऑयल जो लोग नहीं ले रहे हैं या जिनको नहीं लेना है ये ऑयल, वो लोग मेरी DIYs बहुत सारी रेमेडीज़ है, आप लोग वो प्रॉपर सीरीज़ कर लीजिए फिर, है ना। ये देखिए एक ऑयल लगाएं, एक ऑयल लेंगे तो आपको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जो है वो ऑयल नहीं ले रहे हैं तो आपको पूरा एक सीरीज़ ले लीजिए। फैनो अभी सर्दियाँ हैं तो देखिए कलौंजी सीरीज़ कर लीजिए, एग की सीरीज़ है वो कर लीजिए, प्रोटीन सीरीज़ कर लीजिए, है ना, फेनोग्रिक सीरीज़ कर लीजिए, पटेटो सीरीज़ है, कोरिएंडर की सीरीज़ है, गाजर की है, कैरोट सीरीज़ है, जिनको डैंड्रफ है वो गाजर वाली करिए। तो ये सारी चीज़ें सब सीरीज़ मेरे चैनल पे है। 1 वीक हेयर ग्रोथ रूटीन, जिसको रूटीन पता ही नहीं है कि एक हफ्ते में हमें बालों की कैसे केयर करनी है, कब बालों को धोना है, कब क्या लगाना है, कब तेल लगाना है, तेल से पहले क्या करना है, बालों को कैसे सुलझाना है, वो सब प्रॉपर पूरा 7 दिन का एक रूटीन है। तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि उसके अंदर जो मैंने बताया वो आप लोग पूरा अच्छे से करेंगे तो 1 वीक में आपकी जो जो बालों की प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी, है ना। और आपको हेल्दी खाना है, स्ट्रेस वगैरह डिप्रेशन टेंशन इनसे थोड़ा सा दूर हट जाइए, है ना। थोड़ा सा हंसिए मुस्कुराइए, सॉन्ग मूड भी ख़राब हो तो हल्का सा सॉन्ग लगा लीजिए, थोड़ा सा चिल करिए अपने आप को, है ना, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करिए। अपने आप को आप खुश रखेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं वो जो हेयर फॉल भी हो रहा है ना वो धीरे धीरे हेयर फॉल कम होने लगेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये जो मैं आपको टाइम टू टाइम चीज़ें बताती रहती हूँ इसलिए ताकि आप लोग फोकस करें उस चीज़ के ऊपर, अपने बालों की अच्छे से केयर करें, है ना, और बाल आपके हेल्दी होंगे, बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आपने मेरी बताई हुई बातों को अगर ध्यान से सुना है और उसको फॉलो किया है। काफ़ी लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं, फीडबैक आप देख ही रहे हैं कम्युनिटी में, फीडबैक मैं लगाती रहती हूँ। जो जो कस्टमर्स ने ऑयल ले लिए, जिन्हें ऑयल मिल गए हैं उनके मैंने पिक्स लगाई हैं, है ना, और बहुत सारी और हैं जिनको मिलना बाकी है, तो जैसे उनको रिसीव होंगे उनके भी मैं बताऊँगी। तो आप लोग, है ना, जिनको ऑयल लेना है वो लोग ले सकते हैं, जिनको नहीं लेना या जो नहीं लेना चाहते हैं, है ना, जिनको महंगा लग रहा है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेरी DIYs करिए, है ना। वो भी मैंने ही बनाई है, आपको बताई है, ये मैं खुद का बना के आपको सेल कर रही हूँ प्रोडक्ट, है ना। इसमें इसकी जो क्वालिटी है वो A1 क्वालिटी दे रही हूँ मैं आपको, है ना। तो आप लोग वो करना चाहें तो वो करिए, ओके। बस यही कहना था। अब आप लोग अपना सर्दी में बालों का थोड़ा ध्यान रखिए, केयर करिए, और ये मैं आपको इसलिए शो कर रही थी आज की वीडियो में, मुझे खास यही दिखाना था कि बहुत सारे बेबी हेयर्स आ गए हैं बिकॉज ऑफ, आपको पता है इतनी अच्छे से मैं बालों की केयर करती हूँ, है ना, सभी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो ये देखिए अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वापस से बाल भी आएंगे, अगर बाल नहीं आ रहे हैं तो आपको वहीं पर अपने बालों की केयर करना स्टार्ट कर देना है। एंड जो जो चीज़ें हैं वो सब लगाइए, प्रॉपर ऑयलिंग करिए, प्रॉपर पैक लगाइए, है ना, हेयर डंग ज़रूर करिए। जो बाल लंबे करना चाहते हैं हेयर डंग ज़रूर करना है। जिनको बाल्डनेस हो गई है, आगे से बाल उड़ते जा रहे हैं, वो काजल वाली सीरीज़ करिए। मैं आपको बार 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 बोल रही हूँ, बहुत लोगों ने इसको यूज़ की है, रिजल्ट इसके 100% है, 99 भी नहीं 100% रिजल्ट है। आप लोग रेगुलर 1 महीने काजल वाली जो सीरीज़ है उसको कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आपके बाल नहीं है ना, 1 महीने में आपके वहाँ से बहुत सारे बाल निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो ज़रूर करिए। सभी जो सीरीज़ है वो प्लेलिस्ट के अंदर नाम से फोल्डर बने हुए हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर चेक करेंगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएगी, ओके।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी ऑयल वाली जो वीडियो है उसे प्लीज़ सभी के साथ शेयर करिए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी ऐसी चीज़ें न लगाएं जिससे आपके बाल ख़राब हो जाए। आप प्योर चीज़ लगाइए, नेचुरल लगाइए, है ना, जिससे आपके बाल और ज़्यादा हेल्दी हों। तो आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ में शेयर करिए, इस वीडियो को भी शेयर करना, और इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, ठीक है, और लाइक करके जाना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस मुझे आपको ये थोड़ा सा बताना था। एंड नेक्स्ट वीडियो में Q&A की लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस हैं ना बालों से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट में वो क्वेश्चंस डाल देना जो कि आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, ठीक है। एंड वही क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे उसी क्वेश्चंस को लेने वाली हूँ और उसी क्वेश्चंस के मैं रिप्लाई करूँगी। तो इसका जो कमेंट मैं इस वीडियो के जो कमेंट में आप देंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी के नाम के साथ ही मैं कमेंट रीड करूँगी और आपको रिप्लाई भी देती रहूँगी, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओके बाय।